हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई हमारे सामने आज खड़ा है महिंद्रा का घोड़ा, जो कि है भाई अपनी चाहिए थी स्कॉर्पियो क्लासिक। तो भाई बच्चा जानता है कि स्कॉर्पियो क्या चीज है और कौन सी गाड़ी है, लेकिन भाई ये स्कॉर्पियो थोड़ी अलग है क्योंकि भाई ये अभी बिल्कुल नई है और साथ ही में है ना इसमें अलॉयज का अपग्रेड हो चुका है बढ़िया वाला, जो कि भाई 26 इंची के इसके अंदर अलॉय व्हील्स इंस्टॉल हो चुके हैं। और बाकी ओवरलुक मैं आपको एक बार गाड़ी का दिखा देता हूँ आगे से पीछे तक। और बाकी भाई देखो कंप्लीट जो है वो तो भाई अपना ओनर ही बता सकते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या करा रखा है क्या नहीं करा रखा। मैं तो आपको एक ओवरलुक दिखा देता हूँ भी, और साथ ही मैं ना ओनर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं सीधा, उन्हीं से पूछते हैं गाड़ी के अंदर भाई क्या क्या करवा रखा है उन्होंने और कितना पैसा इसके अंदर लगा चुके हैं और कितना टाइम हो गया इसे ले हुए, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहना भाई, मज़ा आने वाला है। और भाई चाबी की बात करो तो भाई महिंद्रा है ना इसमें कुछ भी नहीं देती है, फ्लिप की आपको दे देती है, लेकिन साथ में भाई इसमें जो है सेंटर लॉकिंग वगैरह भी नहीं आती, सेंटर लॉक भी भाई आफ्टर मार्केट जो है लगवा रखी है। तो भाई ओनर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो शौर्य भाई आ जाओ, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई, सबसे पहले तो थैंक यू टाइम निकाला आपने हमारे लिए। बाकी भाई ये स्कॉर्पियो मेरे को जैसा दिख रहा है अभी कितना टाइम हो गया आपके लिए हुए? अभी जैसे टेम्परेरी नंबर इस पे लगा हुआ है भाई, हफ्ता 10 दिन हुए हैं, हुए 5 तारीख को ली थी इसी 5 को। अच्छा, हाँ जी। और आते के साथ ये क्या क्या करा दिया भाई? हमने इसमें टायर लेवल इंस्टॉल कराए, म्यूजिक सिस्टम लगवाया और हूटर लगवाए। अच्छा, हाँ जी। हूटर कैसे है, मतलब वो बस पुलिस वाला सायरन? सायरन, हाँ जी। अच्छा, 6 बाल्टी 6 एम्प। 6 बाल्टी, हाँ जी, 6 बाल्टी 6 एम्प इसमें। तो पहले तो बाकी बातें बाद में ही करेंगे, पहले आवाज ही सुना दो एक बार। तो भाई क्या जरूरत पड़ गई इसकी 6 बाल्टी लगाने की? भाई लगवानी स्कॉर्पियो में मजा इसका, हमें ऐसी गाड़ी करनी जो दिल्ली एनसीआर में गाड़ी ना हो किसी को ऐसी। अच्छा, शौक है? हाँ जी, शौक है इसका। और ये अलॉयज के बारे में बताओ भाई। भाई अलॉय व्हील इसकी 26 इंची है। 26 इंची, हाँ जी। क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी भाई? 3,12,000 रुपए के पड़े थे मेरे। 3,12,000 रुपए के? तो भाई देख सकते हो आप, अलॉयज की बात करें ना अगर, तो इस टाइप के अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं भाई, एक फ्रेम में अभी नहीं रहे, अल्ट्रा वाइड करने पे आते हैं। और 26 इंच के 305 30R 26 305 की जो प्रोफाइल है देख सकते हो आगे से कितने वाइड लग रहे हैं भाई देखने में। और गाड़ी की बात कर लेते हैं अभी, ये कौन सा वेरिएंट है भाई? एस बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट, हाँ जी। तो एस मॉडल ये लग तो नहीं रहा देखने में, क्योंकि आगे से उसमें तो सारा रफनेस आती है ना जी। हमने इस पे काम कराया था, इसके बम्पर वम्पर टोटली चीज सब पेंट है, बाहर से एसेसरीज ऐड है। अच्छा, S11 हो चुकी है, रूफ रेल्स वगैरह सब लगी हुई है, सब चीज बाहर से लगी हुई है इसमें। तो इसमें क्या कॉस्टिंग पड़ गई थी आपकी? क्या चीज मतलब इसकी क्या कॉस्टिंग आ गई थी जो आपने बाहर से पेंट वगैरह कराया, रूफ रेल्स लगवाई? बाहर से पेंट, फुटरेस, ऊपर की रूफ रेल, स्पॉइलर, सारे मिला के 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा आया था। 1.5 से 2 लाख रुपए S2 S11 बनाने में। बाकी अंदर से तो अभी पूरी S मॉडल ही है ना? हाँ जी। तो अंदर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई इसके गत्ते वगैरह। इसमें सेंटर लॉकिंग भी नहीं देते? नहीं, सेंटर लॉकिंग भी बाहर से इंस्टॉल है इसमें भाई, देख लो। मतलब बेस मॉडल का तो कुछ भी नहीं छोड़ा महिंद्रा ने, सब कुछ ही निकाल लिया। इस टाइप के गत्ते देखने को मिल जाते हैं आपको बेस वेरिएंट में। बाकी अंदर की भी बात करेंगे, अभी पहले बाहर से बात कर लेते हैं। और बाकी भाई बात करें, जैसे 26 इंची आपने अभी इंस्टॉल करा लिए, तो उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है? नहीं भाई, दिक्कत तो कुछ नहीं, पर हाँ इसमें 4 से 5 जने बैठ सकते हैं, क्योंकि टायर बहुत बड़ा साइज है तो अड़ने की दिक्कत होती है। मतलब पूरे 7 जने अब नहीं आ सकते? अब नहीं आ सकते। बाकी चलान वगैरह भी तो है शायद टायर पे? टायर क्या यार, इसमें तो सारी चीजें इलीगल है, आपने टिंट विंडोज भी करा रखी है। चलान की कोई दिक्कत ही ना भाई, शौक बड़ी चीज है, भर दोगे? हाँ भर देंगे, कोई दिक्कत ही ना। चलो भाई, कोई वो तो भाई अपने ऊपर है, आपके भी भरा जाए तो भर लेना भाई, अपने अपने ऊपर है, शौक पूरे होने चाहिए सारे। बाकी भाई लुक देख सकते हो आप स्कॉर्पियो की, क्या जबरदस्त आ रही है ऐसी स्कॉर्पियो और साथ में फिर ऐसे बढ़िया बढ़िया भाई बैठे हों ठाडे, तो भाई लुक ही अलग आ जाती है स्कॉर्पियो। मतलब जैसे अगर कोई वैसा बंदा बैठ जाए ना तो भाई लगता ही नहीं उसकी है, उसके साथ पर्सनैलिटी वाला बंदा भी चाहिए होता है, जैसे कि भाई भी सामने खड़े हैं शौर्य जी। शर्मा गया भाई। अच्छा भाई, कितने किलोमीटर चला चुके आप इसे अभी? भाई ये 1500 किलोमीटर चल चुकी है अब तक। 1500 किलोमीटर चल चुकी, क्योंकि जब आई थी देहरादून चली गई थी, तो उसके बाद लोकल में भी चली है, तो 1500 किलोमीटर चल चुकी है। तो लॉन्गेस्ट ट्रिप अभी देहरादून का ही लगाया आपने? लॉन्गेस्ट अब तक इसका देहरादून ही गई है। तो अलॉयज के बाद लगवाया? नहीं, अलॉय व्हील लग के ही गए थे। लग के गए थे शोरूम से जब गाड़ी आई थी, पहले टायर अलॉय व्हील लगवाए थे, उसके बाद सीधे हरिद्वार और देहरादून ही गई थी। तो कंफर्ट वगैरह में कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं? बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं। नहीं मैं अभी जैसे नोटिस करा ना, यहाँ अलॉय पे स्क्रैच वगैरह भी आए हुए हैं। वो तो रोड पे चलते वक्त थोड़ी बहुत लगी जाती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, वो तो भाई देखो अपने अपने ऊपर है, जिसको जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो उसको वही अच्छा लगता है। और बाकी तो भाई देखो स्कॉर्पियो में आपको दिखाई चुका है ये S11,
और एक बार है ना इसके अंदर भी चल के देख लेते हैं अंदर से क्या क्या हो रखा है गाड़ी के। और पहले म्यूजिक सेटअप की बात कर लेते हैं, म्यूजिक सेटअप एक बार सुना दो भाई। और पहले तो ये बता दो इसमें करा क्या क्या रखा है म्यूजिक सेटअप में। भाई म्यूजिक सेटअप में इसमें चार ऑक्सफोर्ड के कंपोनेंट है, चार ओवल है, दो स्पीकर है और इन्फिनिटी की पेटी है, उसमें सब बुफर है 12-12 इंच के दो। अच्छा हाँ जी, कितने आ रहे हैं इसके? 1600 के बुफर, मतलब दोनों 1600 के हो गए या फिर दोनों 1600 के? 800 का एक है तो पीछे ही लगा रखी है। तो भाई एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ भाई देख सकते हो ये रही इन्फिनिटी की, ये तो प्रॉपर जो इन्फिनिटी देता था अपनी वही वाली है, ये जो प्रॉपर इन्फिनिटी देता है भाई। इससे बढ़िया वेस्ट तो कोई फेंकता ही नहीं, जो बनी बनाई आती है ना। हाँ। वो इसकी पेटी की बात ही अलग है। हाँ इसकी बात ही अलग है। हाँ जी। तो एक बार म्यूजिक सिस्टम सुन ही लेते हैं, सीधा गाड़ी के अंदर चलते हैं। बाहर से तो मेरे ख्याल से बात पूरी हो चुकी है गाड़ी की। अब भाई ये 22 इंच, मतलब 22 इंच कह रहा हूँ यार, 26 इंच लगने के बाद है ना, अब मेरे ऐसे बंदे को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसमें क्या पकड़ के चढ़ूं, एक हाथ में कैमरा है। अभी जो है कुछ करता हूं मैं, इसे पहले अंदर बैठता हूं फिर उसके बाद बात करता हूं आपसे। तो भाई एक बार ऑडियो सेटअप आपको इसका सुना देता हूं गाड़ी का, काफ़ी ज़बरदस्त है। इंटरनेट की थोड़ी इशू है यहां पर, स्लो है हल्का सा, बाकी हमने लगा रखा है प्रोसेस में सब। सही में बहुत लाउड है म्यूजिक सिस्टम, और मतलब है ना वोकल्स इतने ज्यादा हैं, बेस तो खैर इतनी बड़ी गाड़ी में इतना पता नहीं लग रहा बाहर, लेकिन जब मैं खड़ा था ना तो बाहर अच्छा बेस फेंक रही थी। तो क्या कितना कॉस्टिंग आ गया भाई म्यूजिक सिस्टम की है? भाई म्यूजिक सिस्टम हमारी 1 लाख टच पहुंच गई थी। अच्छा हाँ जी। तो ये जैसे स्टीरियो भी है, टोटल फिटिंग मिला के 1,00,000 रुपए करीब पहुंच गई थी। अच्छा स्टीरियो कौन सा वाला है? स्टीरियो भाई ये पाइनर का है। पाइनर का है। हाँ पाइनर के अलावा कोई और तो वैसे झेल ही नहीं पाता। हाँ। तो पाइनर ही ओके अपना इन सब मामलों में, बाकी कार प्ले वगैरह इसमें मिल ही जाता है। और बाकी भाई सारे क्वेश्चंस बाकी गाड़ी के अंदर ही कवर कर लेते हैं, एक तो बाहर गर्मी है और दूसरी बात है ना वो अंदर चढ़ना उतरना बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो आपको दिक्कत नहीं होती चढ़ने में? नहीं नहीं भाई मुझे दिक्कत नहीं होती, आदत पड़ेगी। तो भाई अभी गाड़ी देख सकते हो कुछ भी नहीं चली भाई, अभी 1573 किलोमीटर चली है देख लो, और गाड़ी की टोटल लुक ही चेंज हो गई। अच्छा वो फर्स्ट सर्विस तो इसकी हुई होगी? फर्स्ट सर्विस हो गई भाई इसकी। तो महिंद्रा में लेके गए तो क्या रिएक्शन था भाई? हम वहाँ लेके गए थे तो उन्होंने देखते बोला भाई ये गाड़ी का क्या कर दिया तुमने, मेरा गाड़ी बहुत तगड़ी लग रही है। मैंने कहा यहाँ दिक्कत नहीं होती, मैंने दिक्कत नहीं भाई लगवाने ये थे इस वजह से गाड़ी ली थी। ऐसे वाले नहीं आए थे वहाँ पे और ओनर्स भी तो आए होंगे ना अपनी अपनी स्कॉर्पियो लेके? हाँ स्कॉर्पियो लेके आए थे बहुत, वो भी देख के कह रहे थे, कह रहा भाई हमारी स्कॉर्पियो इसमें तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा हो, ये इसका बाप हो। सही बात है, इसकी हाइट बहुत ऊंची हो गई है टायर लोगों के पास, बहुत ऊंची हाइट हो गई भाई। हाँ। ये लगा लो मतलब है ना साथ में अगर एक स्कॉर्पियो और खड़ी कर देना स्टॉक हो तो इससे लगभग मतलब ये लगा लो 1 फुट का फर्क आ गया, 1.5 फुट का फर्क है। तो बाकी भाई कॉस्टिंग क्या पड़ी थी, आपने खरीदी कितने की थी गाड़ी? भाई हमें पड़ी थी 16 लाख रुपए की ऑन रोड। हाँ जी। तो 16 लाख रुपए लेने के बाद टोटल कितना इस पर स्पेंड कर दिया आपने? भाई इसमें ऊपर से हमारा तकरीबन 5 लाख रुपए करीब लग गए अब तक। 5 लग गए? हाँ जी। और अभी भी प्रोसेस चल रहा है? प्रोसेस चल रहा है अभी 5 लाख रुपए में। इसके टायर अलॉय व्हील म्यूजिक सिस्टम है और इसके हूटर है, बाकी जो एसेसरीज ऐड कराई हमने वो उससे अलग है। अब तक टोटली पूरा मिला के इसमें 6-7 लाख रुपए लग गए और अभी तो चल ही रहा है, इसमें चल ही रहा है। और अभी भाई बोल रहे हैं कि है ना इसका पूरा कंप्लीट इंटीरियर जो है ऐसे अलग करा देंगे। हाँ पूरा चेंज कराएंगे, मीटर वीटर सारा चेंज हो जाएगा। तो भाई उसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, बाकी आप देख सकते हो अंदर से भाई अभी तो नई गाड़ी है तो इसका तो खैर क्या ही बिगड़ना है, लेकिन पावर विंडो वगैरह की जो है ना प्लेसमेंट ये सही नहीं लगती मेरे को, वही वाली बढ़िया लगती है जो गत्तों में आती है। तो भाई बाकी है ना इंस्टाग्राम पे आपको रील्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, इंस्टाग्राम आईडी एक बार बता दो भाई किस नाम से? भाई इंस्टाग्राम का आईडी है गोली गुजर 4977 के नाम से, गोली गुजर 4977। वो भाई आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी आप जो है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा कंप्लीट लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। बढ़िया बढ़िया रील्स आपको देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी से रिलेटेड, जो कि भाई अपना मस्त मस्त लगती है देखने में, और उसी से मैंने भाई को करा है अपना जो है कॉन्टेक्ट करा है।
अच्छा भाई, जैसे कि अभी इसके अंदर 26 इंची के टायर लग चुके हैं, तो लोग कहते हैं कि कंफर्ट वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो क्या कहना है भाई, हमें तो अभी तक कोई प्रॉब्लम इसमें आई नहीं है 26 इंची लगने के बाद। पर हाँ, ये कि अपने ऊपर बात है, अब इसमें 4 से 5 जने बैठ सकते हैं, वरना गाड़ी नीचे से अटने का डर रहता है। अच्छा, मतलब अलॉय उसमें लग जाते हैं, अलॉय व्हील उसमें लगते हैं, तो बस उसी का। बाकी चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हमें तो अभी तक लगी नहीं है स्कॉर्पियो में। तो एक बार चला के भी दिखा दो भाई कैसे है चलने में, क्योंकि भाई ये तो है ना, डाउट रहेगा ही रहेगा। हाँ जी, जब तक चलेगी नहीं। एक सीट बेल्ट की लाइट है, लगा लेते हैं भाई। तो भाई इस टाइप का रोड है, और अभी तक तो मेरे को कुछ ऐसा फील हो नहीं रहा कि मैं भाई कैसी मतलब बॉडी रोल वाली गाड़ी में बैठा हूँ। अभी टर्न वगैरह आ रहे हैं, तो यहाँ पता लगेगा कितना कंफर्ट इसमें जो है आया, कितना गया। बढ़िया है भाई, ये तो मतलब कंफर्टेबल चल रही है। मैं तो जैसे कि एक हैचबैक में चलता हूँ, तो उससे भी ज्यादा कंफर्ट मेरे को इसके अंदर देखने को मिल रहा है। वो लोग कहते हैं बॉडी रोल है, एक बार घुमाना स्टीयरिंग। बॉडी रोल भी पहले से कम हो चुका है जब से 26 इंची लगे हैं। और देख लो भाई, ये ऑफ रोडिंग रूट है पूरा, मतलब पूरा तो क्या, प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं है, बाकी जो है पॉट होल्स वगैरह काफी हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लेन रोड पे चला रहे हैं हम। मस्त चल रही है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो ले लो यूटर्न, ले लो इसे, ले लो भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है गाड़ी की। तो भाई कैसा लगता है जब लोग ऐसे रोक रोक के फोटो खिंचाते हैं? भाई बहुत बढ़िया लगता है, अंदर से और दुगनी खुशी हो जाती है कि हाँ भाई, जो पैसे लगा रखे हैं वसूल हो जाते हैं। हाँ, वसूल हो जाते हैं जितने भी लगाए होते हैं भाई। जो भी चीजें करा रखे ना यार, रियली वर्थ है, क्योंकि भाई ऐसे है ना, पब्लिक रिएक्शंस जो देखने को मिलते हैं हमें, वो भाई नेक्स्ट लेवल होते हैं। हाँ जी, मतलब पब्लिक मुड़ मुड़ के देखती है भाई गाड़ी को कि क्या ये क्या फजीता जा रहा है। ऐसी जो जहां से भी जाते हैं, कोई ना कोई पूछता जरूर है भाई गाड़ी में कहां से करवाया, इतना करवाया, क्योंकि देखने में बहुत अलग लगती है भाई गाड़ी की प्रोफाइल। सही में बहुत ऊंची है यार, एक बार बताऊं आपको, एक बार यहाँ आके दिखा देता हूँ सामने। ये आ गया मैं बिल्कुल बोनट के पास। अब भाई यहाँ देख लो, ये है ना मेरी यहाँ छाती के पास आ रही है, इतनी जो है आ रही है मेरे पेट से भी ऊपर, इतनी ऊंची गाड़ी की हाइट हो चुकी है। मतलब बोनट इतना ऊंचा है, तो भाई आप लगा सकते हो गाड़ी कितनी ऊंची होगी। तो इसी के साथ भाई, कैसी लगी आपको ये स्कॉर्पियो की? एस मॉडल है, बेस मॉडल, ये ध्यान रखना, और एस 11 से भी तगड़ी लग रही है, तो बढ़िया लग रही है भाई। वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।